आपको कैसे पता चलता है कि पिच पे ग्रास है? देख के पता चलता है। मैं कल ग्राउंड में गया हुआ था, नहीं कल मैं ग्राउंड में गया हुआ था, और जो आज मैंने मैच देखा खुद, और पहले ओवर से मैंने देखा है, और पिच पे बिल्कुल ग्रास नहीं। अगर लास्ट मैच इनका देखा है लाहौर के अंदर, उसमें ग्रास था, और सबको पता होता है, हम देखते हैं ना, ओह ग्रास है, यूं पता चल जाता है। पता नहीं। अच्छा, मैंने एक स्टोरी की थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने लोगों को बोला था कि कुछ क्वेश्चंस भेजें आप लोगों के लिए। ताबिश के लिए कोई सवाल नहीं आया, जाहिर बात है मैं सब जवाब दे चुका हूं। पीपल डिडंट वांट टू नो हिम। तो यासिर भाई, एक आपके लिए सवाल था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आप इस बार का जवाब दे दें प्लीज। ये किसने की है? दोबारा शादी कब कर रहे हैं? कर चुके हैं शादी। ये सवाल किसने की है? कोई लड़के हैं? कोई सवाल मिल कोई लड़के हैं अपेरेंटली? लड़कों ने पूछा, यहां से मैं लड़कों ने पूछा, आप जान के क्या करो, उनको इंटरेस्ट सवाल नहीं था, कह रहे किसने किया है। ये 14 साल पहले की शादी होगी, आपके लिए भी सवाल है। नहीं मुझे ये बताएं, ये सवाल तो आपको आना चाहिए। ये ले सवाल, क्या आप शादी कब करेंगे? नहीं नहीं, ये आपने पूछना चाहिए इनको, आपको कैसे चलेगी? मैंने स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, लोगों से पूछा, मैं तो देखे खुद से अपने सवाल। आप इधर आ जाए, आप उधर चले जाए, ये होगा बाद में, उसकी नौकरी चली जाएगी। अभी अभी अच्छे दिन चल रहे हैं शो के, ये होगा जब बुरे दिन आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक आपका कोई अपेरेंटली किस्सा है जिसमें शाहिद आफरीदी ने आपको चुन्नी बाबू कह दिया था। चुन्नी बाबू, वाह। वो सुना दे, क्या देखकर आपको चुन्नी बाबू का? छोटी सी है, मूवी आई थी देवदास दीदी, तो बस वो शाहिद आफरीदी ने कहीं सुन लिया चुन्नी बाबू, तो आपका नाम रख दिया। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। नहीं नहीं, आपको क्या लगता है क्यों कहा होगा इनको? क्या इनमें ऐसा है जिसके बारे में इनको चुन्नी नहीं बोल रही? मुझे नहीं चुन्नी 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 ना मेल का नाम है, लड़की का नाम नहीं है, मुझे पता है। हाँ लेकिन बस एक मतलब बस कर दो, मतलब इनको छेड़ोगे तो फिर वो छेड़ेंगे यार, ऐसे ही रहने दो।